हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम आरएस से ही रिलेटेड एक और टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आरएस क्या होते हैं। हमने देखा था कि वो एक डेटा स्ट्रक्चर है विच स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स। होमोजीनियस आइटम्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस आइटम्स से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि दे आर ऑफ द सेम डेटा टाइप, या तो वो इंटीजर हो सकते हैं, या फ्लोट हो सकते हैं, या फिर कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर बुलियन हो सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द आइटम्स आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। सेकेंडली, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एरेज में हमारी जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो होती है कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब जो मेरे आइटम्स हैं जो एरे में स्टोर्ड हैं, दे आर प्रेजेंट इन कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई एरे जो है डिपिक्ट करना है तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दिस इज एन एरे ऑफ साइज 5 ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी इंटीजर्स जो है वो स्टोर कर सकती हूँ। ये मेरे एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, एंड ये एक इंटीजर जो है ये 4 बाइट्स ले रहा होगा। तो 5 जो कि सेकेंड एलिमेंट है मेरे एरे का, दिस विल बी प्रेजेंट इन द वेरी नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी। दैट मीन्स कि अगर 3 जो है वो 100 एड्रेस पे प्रेजेंट है तो 5 जो है वो 104 पे प्रेजेंट होगा, 7 जो है वो 108 पे प्रेजेंट होगा, 112, 116 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरी मेमोरी में टोटल कितना कवर कर रहा होगा मेमोरी 100 से लेकर, और यहाँ पे 11 जो मेरा लास्ट एलिमेंट है दिस विल ऑल्सो बी यूजिंग 4 बाइट्स बिकॉज दिस इज एन इंटीजर, सो 120 bytes जो है मेरी, सॉरी 20 bytes, 120 minus 100, 20 bytes जो है मेरी टोटल मेमोरी में यूज हो रही होंगी टू स्टोर दिस एरे ऑफ साइज 5 ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि एरेज क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि एरेज को अगर मुझे कोड में डिक्लेयर करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्पेसिफाई करूंगी कि डेटा टाइप क्या है ऑफ द एलिमेंट्स दैट आई वांट टू स्टोर इन द एरे, देन द एरे नेम, एंड देन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आई विल डिक्लेयर द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, तो अगर मुझे एक इंटीजर एरे बनाना है ऑफ साइज 5 तो मैं उसको ऐसे जो है कोड में डिक्लेयर कर सकती हूँ। मैं अपने एरे को बिना साइज के भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, बट वहां पे मुझे उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और हमने देखा था कि हमारे टाइप्स ऑफ एरेज क्या होते हैं। हमने देखा था एक होते हैं 1-डायमेंशनल एरेज और हमारे होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। अभी जो है हम सिर्फ 1-डायमेंशनल एरेज पे फोकस कर रहे होंगे एंड आगे के लेक्चर्स में हम ऑब्वियसली मल्टी डायमेंशनल एरेज की कवर करेंगे। एंड हमने कुछ 1-डायमेंशनल एरेज पे बेसिक प्रॉब्लम्स भी करी थी जो कि आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। अगर आपसे उस टाइम नहीं हुआ था क्लास में तो आगे खुद जाके लेक्चर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करना है, उन क्वेश्चंस को जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं वो करना है, तभी आगे की चीजें जो है वो समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि है वेक्टर्स, लेकिन ये काफी एरेज से ही सिमिलर है। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा अगर लास्ट लेक्चर समझ में आया है। तो हम कवर करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उस पर क्या क्या हम ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लूपिंग करते हैं वेक्टर्स में, एंड एंड में हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे टू गेट कंफर्टेबल विथ वेक्टर्स इन कोड। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर्स होते क्या है। वेक्टर्स आर डायनेमिक एरेज। एरेज हमें समझ में आ गया है कि एरेज क्या होते हैं, तो वेक्टर्स आर डायनेमिक एरेज। डायनेमिक एरेज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डायनेमिक एरेज का यहाँ पे ये मतलब है कि आप किसी एरे को रिसाइज कर पाओगे एज एंड व्हेन यू नीड।
ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपको और एलिमेंट्स डालने हैं अपने आरे में तो आप वो भी डाल पाओगे, अगर आपको कुछ एलिमेंट्स हटाने हैं और रिड्यूस करना है साइज अपने आरे का तो आप वो भी कर पाओगे इन डायनेमिक एरेस। सो वेक्टर्स आर डायनेमिक एरेस वेयर यू कैन रीसाइज व्हेन यू वांट टू इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स। ऑब्वियसली हमने देखा था कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि एरेज, अगर मैं जो मेरे नॉर्मल एरेज होते हैं दे आर स्टैटिक इन नेचर, दैट मीन्स कि मुझे शुरू में ही जब मैं किसी एरे को डिक्लेयर करती हूँ, अगर मैंने कोई एरे डिक्लेयर किया इंट टाइप का, तो मुझे वहीं पे उसका साइज जो है वो बताना पड़ेगा, वरना वो मेरे को एरर थ्रो कर देगा। या तो मुझे यहाँ पे उसका साइज बताना पड़ेगा या फिर मुझे उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगेन इनिशियलाइज करते हुए मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स मैं स्टोर करना चाहती हूँ अपने एरे में। एंड एक बारी जब मेमोरी में मैंने एक एरे जो है डिक्लेयर कर दिया एरे नाम का, जिसका साइज है 5 और डेटा टाइप है इंट, और मेमरी में इसको एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल गया ऑफ 20 bytes, उसके बाद मैं इसको जो है एडिट नहीं कर सकती, इसके बाद मैं इसमें एक और एलिमेंट नहीं डाल सकती, मैं इसका साइज जो है 6 नहीं कर सकती, या फिर लास्ट वाला एलिमेंट हटा के इसका साइज जो है 4 नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन दैट वे एरेज आर स्टैटिक इन द वे कि हम उन्हें रिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर्स ऑन द अदर हैंड can be resized according to our need। ठीक है, तो ये एक difference हो गया हमारे vectors और arrays में, और एक similarity जो दोनों vectors और arrays में ये है कि यहाँ पे भी जो memory allocation होती है यार वो contiguous memory ही होती है। इसका मतलब कि जो भी elements present होंगे मेरे vector में they are stored in consecutive blocks of memory इन स्टोरेज। ठीक है, अब वेक्टर्स में आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसा पॉसिबल है कि अगर मैंने एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी दे दिया अपने वेक्टर को, तो मैं उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को कैसे एडिट कर सकती हूँ, मैं कैसे उसको बढ़ा सकती हूँ और कम कर सकती हूँ, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो अब कुछ बेसिक ऑपरेशन देखते हैं वेक्टर्स से, जिससे हमें ये भी समझ में आएगा कि मेमोरी में क्या एक्चुअली हो रहा होता है जब हम एक वेक्टर को डिक्लेयर करते हैं या फिर उसमें इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं या रिसाइज करते हैं, तो वो सब कैसे होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी वेक्टर को डिक्लेयर करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं कोड में। उसके लिए सबसे पहले आपको वेक्टर जो है हमारी एक हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने कोड में, तो दैट यू कैन डू यूजिंग #include vector। And then you can define a vector using vector brackets में तुम्हारा जो भी data type है अपने vector का, which can be integer, float, character, bool, anything, and then तुम्हारा vector name। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को size declare करने का या define करने की जरूरत नहीं है when I am declaring a vector। अगर आपको करना है however, if you want to specify the size of the vector जो आपको initially चाहिए, तो आप उसके लिए vector data type, vector name और फिर हमारा brackets में, round brackets में हमारा size जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं एक अगर integer data type, integer vector बनाना है मुझे, तो मैं उसको लिख सकती हूँ vector int b। एंड यहाँ पे अगर मेरे को साइज डिफाइन करना है तो आई कैन राइट दिस, वरना इवन विदाउट दिस आई कैन डिक्लेयर माय वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने ये वेक्टर डिक्लेयर किया तो अभी यहाँ पर इट विल नॉट हैव एनी साइज। ठीक है, साइज हम अपने वेक्टर का कैसे चेक कर सकते हैं यूजिंग आर साइज ऑपरेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी डॉट साइज। सो दिस गिव्स अस बेसिकली द लेंथ, कितने एलिमेंट्स हमारे वेक्टर में उस टाइम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैंने एक वेक्टर बनाया और उसमें मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 4, तो यहाँ पे मेरा जो वी डॉट साइज है
वी डॉट साइज जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा 4, राइट। अब इस साइज को मैं रीसाइज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले अपने वेक्टर में, इट हैज 4 एलिमेंट्स, इसका साइज 4 है। अब अगर मुझे उसको रीसाइज करना है, मुझे उसका साइज जो है वो बढ़ाना है, घटाना है, आई कैन डू दैट यूजिंग द रीसाइज ऑपरेशन। रीसाइज ऑपरेशन वी डॉट रीसाइज और ब्रैकेट्स में मेरा जो भी न्यू साइज है वो मैं मेंशन करूंगी, तो मेरा साइज जो है वो अकॉर्डिंगली मेरे वेक्टर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा वी डॉट साइज यहाँ पे 4 था, अब मैंने इसको लिखा वी डॉट रीसाइज 8, ठीक है। अब अगर मैं वी डॉट साइज करूंगी तो मेरे को रिटर्न कर देगा 8, ठीक है। अब ये जो रीसाइजिंग होती है ये कैसे हो रही होती है मेमोरी में, ये समझते हैं यहाँ पे। इसके लिए एक और ऑपरेशन जो मैं यहाँ पे बताऊंगी पहले तुम्हें, दैट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या करता है, हम अगर मैं लिखूँ वी डॉट कैपेसिटी तो इट विल गिव मी जो भी स्पेस मेमोरी में, जो भी स्पेस या कैपेसिटी एलोकेटेड है मेरे वेक्टर को वो। इसका मतलब क्या कि साइज और कैपेसिटी दे आर नॉट द सेम, बट कैपेसिटी ऑफ अ वेक्टर इज मोर देन और इक्वल टू द साइज। कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर विल ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू द साइज। इसका मतलब कि अगर मैंने एक वेक्टर का साइज बनाया, मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया और मैंने लिखा वेक्टर डॉट रीसाइज 8, ठीक है। तो मेरा जो है एक वेक्टर स्पेस में मेरे को मिल जाएगा जिसका साइज होगा 8, लेकिन मेरी जो कैपेसिटी हो सकती है वो 8 भी हो सकती है और 8 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स डाल सकते हो। जैसे कि अगर मैंने वी डॉट रीसाइज किया 8 और यहाँ पे मेरी कैपेसिटी जो है सपोज है 16, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 16 एलिमेंट्स ही डाल सकती हूँ अपने वेक्टर में। मैं इसको वी डॉट रीसाइज 32 भी कर सकती हूँ या कुछ भी, एनीथिंग आई कैन डू, एंड उस हिसाब से मेरी कैपेसिटी जो है वो वेक्टर की बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो जो भी मैं साइज देती हूँ अपने वेक्टर को, मेरी कैपेसिटी जो है वो अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करती है, ठीक है। अगर मैंने 8 एलिमेंट्स के लिए 8 साइज का वेक्टर डिफाइन किया तो मेरी कैपेसिटी जो है वो 8 या 8 से ज्यादा होगी। अब अगर मेरी कैपेसिटी 16 है और मैंने वी डॉट रीसाइज कर दिया टू 20, तो मेरी कैपेसिटी अगेन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन मेमोरी इन अ वेक्टर। मैं जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट करती हूँ या फिर मैं उसको रीसाइज करती हूँ मेरे वेक्टर को, उस हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी है वो डायनामिकली जो है वो चेंज होती रहती है मेमोरी में। एंड दैट्स हाउ आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द साइज ऑफ माय वेक्टर। आई कैन जस्ट कीप एडिंग एलिमेंट्स, आई कैन जस्ट कीप डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम माय वेक्टर विदाउट केयरिंग अबाउट कि मेमोरी में उसको कितना साइज जो है मुझे डिक्लेयर करना है, ठीक है। वो अपने आप जो है वो स्टोरेज में होता रहता है। तो कैपेसिटी को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने जो है अपने कोड में एक वेक्टर डिफाइन किया, वेक्टर इंट वी, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरा साइज जो है वेक्टर का वो 0 है और मेरी कैपेसिटी जो है वो भी 0 है। तो 0 साइज 0 कैपेसिटी से मेरा वेक्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने जो है अपने वेक्टर वी में एक एलिमेंट डाला तो साइज हो गया 1 और कैपेसिटी भी हो गई 1। नेक्स्ट जब मैं एक एलिमेंट इसमें एक और डालूंगी तो मेरा साइज हो जाएगा 2 और कैपेसिटी भी हो जाएगी 2। मैंने एक और एलिमेंट इसमें डाला 1, 2, 3, साइज हो गया 3 और कैपेसिटी हो गई नॉट 3 बल्कि 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा कैपेसिटी जो है 3 की जगह 4 क्यों हो गया।
अब ये यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो 2 की पावर्स में इंक्रीज होती है. तो सपोज अगर मैंने 2 और एलिमेंट्स यहाँ पे डाले, मैंने 2 और एलिमेंट्स डाले, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे मेरा साइज हो जाएगा 5, लेकिन मेरी कैपेसिटी हो जाएगी 8. अब ये कैसे हो रहा है, अब यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये 2 की पावर्स में बढ़ रहा है. ठीक है, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया. तो जैसे ही मेरा जो साइज है मेरी कैपेसिटी से बढ़ता है, मेरा साइज मेरी कैपेसिटी से बढ़ता है, जैसे यहाँ पर 3 साइज हो गया कैपेसिटी से ज्यादा, यहाँ पर 5 साइज हो गया कैपेसिटी से ज्यादा, तो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करती है. कैसे? 2 की पावर्स में. लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि 2 की पावर्स में हमारी कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, ये सिर्फ तब बढ़ी है जब हम अपने वेक्टर में ये करके एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं. मतलब कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा साइज जो है अभी करंटली क्या है, मेरा साइज अभी 5 है. सपोज इसके बाद मैं बोलती हूँ कि वी डॉट रीसाइज कर दो टू 10. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 10 जो है ये कैपेसिटी से ज्यादा हो गया. तो अब जरूरी नहीं है कि कैपेसिटी जो है वो मेरी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 पे चल जाए. नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगी आफ्टर 8? 16 होगी, राइट? दिस इज 2 raised to power 3, दिस विल बिकम 2 raised to power 4. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये कैपेसिटी जो है 16 ही हो. दिस इज समथिंग विच इज कंपाइलर डिपेंडेंट. मे बी माई कंपाइलर बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम योर कंपाइलर. ठीक है, तो ये कैपेसिटी जो 16 भी हो सकती है, ये हो सकता है ये 20 भी हो जाए, मेरे करंट साइज का डबल. ठीक है, तो जब मैं रीसाइज ऑपरेशन यूज कर रही हूँ तो मेरी कैपेसिटी जो है वो कैसे बढ़ रही है, दैट इज समथिंग विच इज कंपाइलर डिपेंडेंट. लेकिन यहाँ पे अगर हम एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो वहां पे हमारी कैपेसिटी जो है वो 2 की पावर्स में ही बढ़ रही होगी. एंड वो कैपेसिटी जो है वो कैसे इंक्रीज होती है मेमोरी में. सपोज मेरे पास ये वेक्टर था, ठीक है, ऑफ साइज 3. अब मैंने इसके बाद इसको बोला कि v डॉट रीसाइज कर दो टू 5. मैंने इसको रीसाइज कर दिया टू साइज 5, तो मेरा नया साइज जो होगा वो 5 होगा, जो कि मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ज्यादा है. तो नई कैपेसिटी जो होगी ऑफ द वेक्टर वो क्या होगी, वो 8 हो जाएगी अगर 2 की पावर्स में कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है. तो अब क्या होगा कि मेमोरी में मेरे वेक्टर को एक नई स्पेस एलोकेट हो जाएगी, जहां पर उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी होगी 8. एंड साइज होगा 5. और जो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी मेरे वेक्टर में वो यहां पर कॉपी हो जाएंगी. तो मतलब कि क्या हुआ, जैसे मेरा 3 साइज का मेरे पास यहाँ पे वेक्टर था, मैंने उसको बोला कि भाई v डॉट रीसाइज कर दो टू साइज 5. तो अगर मैं साइज को 5 कर रही हूँ, विच इज मोर देन दी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 4, तो मेरा कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा. कैपेसिटी नहीं इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 8, क्योंकि हम अज्यूम करें कि 2 की पावर्स में बढ़ रही है यहाँ पे. तो कैपेसिटी जैसे ही 8, हमें पता है कि कैपेसिटी 8 होगी, तो मेमोरी में एक नया ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारे वेक्टर को एलोकेट होगा, जहां पे कैपेसिटी क्या होगी वेक्टर की 8, और वहां पर जो मेरे ओरिजिनल एलिमेंट्स थे, मेरे ओरिजिनल वेक्टर में जो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स मेरे इस मेमोरी एड्रेस में कॉपी हो जाएंगे. अब ये जो नया वेक्टर को अपने वेक्टर को एक नई मेमोरी स्पेस एलोकेट हो रही है, और जो कॉपी हो रही है वैल्यूज पहले वाले वेक्टर से नया रीसाइज्ड वेक्टर पे, ये चीज बार बार ना हो, इसलिए हम कैपेसिटी जो है या तो 2 की पावर्स में बढ़ा देते हैं या फिर डबल कर देते हैं साइज को, ताकि ये चीज ऑपरेशंस, ये जो ऑपरेशंस है ये बार बार ना करना पड़े. ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे हमारे वेक्टर की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है मेमोरी में. अब हमें इस चीज को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कोड में, हमें बस अपने वेक्टर में एलिमेंट्स को डालना है, निकालना है,
और हमें बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा कितने एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पता करना होगा कोड में. कैपेसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बस समझ में आना चाहिए टू अंडरस्टैंड हाउ वेक्टर्स एक्चुअली वर्क. व्हाई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द साइज, कैसे आप अपने वेक्टर में कितने भी एलिमेंट्स डाल सकते हो, वो फंडा है कैपेसिटी का. क्योंकि कैपेसिटी जो है, जैसे आप एलिमेंट्स डालते रहते हो, कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर कीप्स इंक्रीजिंग. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. नाउ लेट्स लुक एट सम अदर ऑपरेशंस हियर जो कि हम वेक्टर्स में कर रहे होंगे. अनदर ऑपरेशन इज कि अगर मेरे को अपने एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट्स को ऐड करना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ. ठीक है, अगर मुझे ऐड एलिमेंट्स करना है टू माई वेक्टर तो उसके लिए एक ऑपरेशन होता है वी डॉट पुश बैक, वेयर वी इज माई वेक्टर. V dot pushback and then brackets में specify जो भी मेरे को element या value जो है अपने vector में insert करनी है. तो इससे क्या होगा, जो end element होगा उसके बाद मेरा ये new element जो है वो add हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक vector है 2, 3, 4 and मैंने बोला V dot pushback 5 तो मेरा वेक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, 2, 3, 4 and 5 बन जाएगा. ठीक है, सिमिलरली एक और हमारा यहाँ पे ऑपरेशन होता है वी डॉट इंसर्ट जो कि यूज होता है अगर मुझे कहीं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करना हो. यहाँ पे मैंने एलिमेंट ऐड किया है एट द एंड ऑफ द वेक्टर, अगर मुझे बीच में किसी पोजीशन पे अपने एलिमेंट को ऐड करना तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ वी डॉट इंसर्ट. यहाँ पे मुझे सबसे पहले बतानी होती है पोजिशन और फिर एलिमेंट. अब ये जो पोजिशन होती है ये ध्यान रखना, दिस पोजिशन इज रिलेटिव टू, इट इज रिलेटिव टू स्टार्ट पोजिशन या फिर मैं बोल सकती हूँ इट इज रिलेटिव टू द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर वेक्टर. अब आप बोलोगे फर्स्ट एलिमेंट की जो पोजिशन है वो कैसे हम निकालें, तो दैट यू कैन फाइंड यूजिंग वी डॉट बिगिन. ठीक है, v dot begin से आपको फर्स्ट एलिमेंट की या फिर जो भी हमारा वेक्टर है वो किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है वो आपको पोजीशन मिल जाएगी. सिमिलरली v dot end से हमारा वेक्टर कहाँ एंड हो रहा है वो आपको पोजीशन मिल जाएगी. ठीक है, तो अगर मेरे को v dot insert यूज करना है तो उसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, मेरे पास एक वेक्टर है 2, 3, 4 और मुझे यहाँ पर मतलब कि सेकंड पोजीशन पर एक एलिमेंट ऐड करना है 5. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, v डॉट इंसर्ट एंड आई विल से v डॉट बिगिन प्लस 2. v डॉट बिगिन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है या फिर हमारा वेक्टर जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो पोजीशन हमें बताता है. तो प्लस 2 का मतलब कि यहाँ पर जो सेकंड इंडेक्स पे एंड देन ऑल्सो द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है 5. तो ये हमारे लिए क्या करेगा, ये बोल देगा 2, 3, 5 and 4. ठीक है, तो ऐसे जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं. अगर हमें लास्ट में बिल्कुल इंसर्ट करना है एलिमेंट तो हम उसके लिए पुश बैक यूज करेंगे एंड अगर हमें कहीं बीच किसी पोजिशन पे इंसर्ट करना है एलिमेंट तो उसमें हम इंसर्ट ऑपरेशन यूज करेंगे. सिमिलरली अगर हमें डिलीट करना है, सिमिलरली अगर मुझे डिलीट करने हैं एलिमेंट्स तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ वी डॉट पॉप बैक, जहाँ पे वी जो है मेरे वेक्टर का नाम है एंड यहाँ पे क्या होगा कि मेरे जो लास्ट एलिमेंट होगा वेक्टर में वो मेरे वेक्टर से हट जाएगा. तो अगर मेरा वेक्टर है 2, 3, 4 एंड आई से वी डॉट पॉप बैक तो ये जो है 4 को यहाँ से हटा देगा तो मेरा वेक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, 2 and 3. अब अगर यहाँ पे मेरे को बीच में से कोई एलिमेंट हटाना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, वी डॉट इरेज ऑपरेशन, जहाँ पे अगेन हमें पोजिशन बतानी होगी और हाँ बस
ठीक है, बस पोजिशन हमें बतानी होगी, एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं है, उस पोजिशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो उसको वहां से डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेन ये जो पोजिशन है दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द वेक्टर, या फिर रिलेटिव टू द एंड पोजिशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे एंड पोजिशन के रिलेटिव करना है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, मैंने वी डॉट बिगिन प्लस टू किया था, ऐसे मैं वी डॉट एंड माइनस टू और समथिंग भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बस ये ध्यान रखना है कि इट इज रिलेटिव टू द बिगिन या मतलब स्टार्टिंग पोजिशन या फिर एंड पोजिशन ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो आई शुड एक्चुअली राइट दैट इट इज रिलेटिव टू द स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन ऑफ वेक्टर, ऑफ माय वेक्टर, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है 2, 3, 4, 5 और मुझे 4 जो एलिमेंट है जो कि सेकंड पोजिशन पे है वो डिलीट करना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ v डॉट इरेज v डॉट एंड माइनस 1 अगर हम करेंगे तो हमारा ये वाला जो लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, माइनस 2 अगर हम करेंगे तो हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा 2, 3 and 5, दिस विल बिकम आर न्यू वेक्टर, ठीक है। एंड अगर हमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपने डिलीट करने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी डॉट क्लियर। इससे क्या होता है, हमारे सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 5 ये सब जो है मेरे वेक्टर से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस इन वेक्टर्स। अब हमने यहाँ पर बहुत बात कर ली है, अब कोड में देखते हैं। तो कोड में सबसे पहले मैं एक वेक्टर बना लेती हूँ इंट डेटा टाइप का, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपना वेक्टर हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे, और फिर वेक्टर डिफाइन करने के लिए मैं लिख रही हूँ वेक्टर, मेरा जो भी डेटा टाइप है, और फिर मेरा वेक्टर का नेम, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे v रखा है। अब यहाँ पे अगर मुझे अपने वेक्टर में कोई भी एलिमेंट जो है पुश करना है तो मैं उसके लिए लिखूंगी v डॉट पुश बैक एंड जो भी मेरे को एलिमेंट पुश करना है। यहाँ पर हम साइड बाय साइड जो है साइज और कैपेसिटी भी प्रिंट करवा लेते हैं अपने वेक्टर की, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे जो है ये दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। हमें प्रिंट करवाना है v डॉट साइज, ठीक है, इससे जो है हमारे वेक्टर का साइज प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमें कैपेसिटी प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम लिखेंगे v डॉट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब हमने एक एलिमेंट पुश कर दिया, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी साइज और कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी। एंड हम कुछ एलिमेंट्स जो हैं इसमें और पुश कर देते हैं, ठीक है। हमने 2, 1 पुश कर दिया, फिर 2 पुश कर दिया, 3 पुश कर दिया। अब इसके बाद मैंने कर दिया v डॉट रीसाइज, ठीक है, 3 एलिमेंट्स के बाद डाल के मैंने v डॉट रीसाइज कर दिया 2, 5। अब अगेन हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो साइज और कैपेसिटी है वो कितना होगा, तो इसको हम रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है, एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो शुरू में जब मैंने अपने वेक्टर को डिफाइन किया, अभी मैंने कोई भी एलिमेंट इसमें पुश नहीं किया है, तो मेरा साइज और कैपेसिटी आ रहा है 0, ठीक है, दोनों। अब जैसे ही मैंने एक एलिमेंट जो है पुश किया अपने वेक्टर में, तो मेरा साइज हो गया 1 और कैपेसिटी भी हो गई 1। मैंने सेकेंड एलिमेंट जो पुश किया तो मेरी साइज हो गई 2 एंड कैपेसिटी भी हो गई 2। नेक्स्ट मैंने एक और एलिमेंट पुश किया अपने वेक्टर में तो साइज हो गया 3 एंड कैपेसिटी अब हो गई 4, क्योंकि वो 2 की पावर्स में इंक्रीज कर रही है। अब जब मैंने साइज किया 5, जो मैंने साइज किया 5 जो कि कैपेसिटी से अगेन ज्यादा है, तो मेरी अगेन कैपेसिटी जो है बढ़ के क्या हो गई 8 हो गई। इसको हम दोबारा जो है चेक कर सकते हैं, अगर मैंने सपोज v डॉट रीसाइज कर दिया और मैंने 8 से ज्यादा
कोई साइज दे दिया, ठीक है, अभी कैपेसिटी क्या है 8, मैंने वी डॉट रिसाइज कर दिया टू 10. अब जो है अगेन मेरी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, वो जानी चाहिए 16, है ना. तो देख लेते हैं कि 16 हो रही है या नहीं. तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे साइज जो है 10 हो गया और कैपेसिटी क्या हो गई, 16 हो गई, राइट. सिमिलरली अगर हमें एलिमेंट्स पॉप बैक करने हैं, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, अगर हमें डिलीट करने हैं, वी डॉट पॉप बैक, इससे जो है एंड का जो भी एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा हमारे वेक्टर से, ठीक है. तो वी डॉट पॉप बैक, हमने सपोज ये दो बारी कर दिया, तो अभी हमारा साइज क्या था, वो 10 था. दो बारी अगर हमने वी डॉट पॉप बैक किया तो हमारा साइज क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. वो भी हम एक बारी प्रिंट करवा कर चेक कर लेते कि हमारी साइज और कैपेसिटी जो है उसके बाद कैसे चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा साइज जो है लास्ट 10 था और कैपेसिटी 16 थी. हमने दो बारी वी डॉट पॉप बैक किया तो मेरा साइज जो हो गया वो 8 हो गया, लेकिन मेरी कैपेसिटी अभी भी 16 है, ठीक है. तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे जो है जब मैं एलिमेंट्स पुश कर रही हूँ तो मेरा जो साइज और कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है. जैसे ही मैं कोई साइज देती हूँ, मैं उसको रीसाइज करती हूँ या उसमें एलिमेंट्स ऐड करती हूँ जिससे मेरे वेक्टर का साइज कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो मेरी कैपेसिटी जो है अपने आप इंक्रीज कर जाती है. एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटी हमेशा 2 की पावर्स में ही इंक्रीज हो. यहाँ पे मेरा कंपाइलर जो है वो 2 की पावर्स में इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटी को. मे बी आपका कंपाइलर जो है वो डबल द साइज कर रहा हो कैपेसिटी को. तो दैट इज कंपाइलर डिपेंडेंट एंड द कंपाइलर लुक्स फॉर द फास्टेस्ट या द शॉर्टेस्ट ऑपरेशन टू इंक्रीज द कैपेसिटी. तो ये उस चीज़ पे आपने ध्यान नहीं देना है, बट आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये कोड अपने लैपटॉप पे रन करके एंड सी इफ योर कंपाइलर इज बिहेविंग एनी डिफरेंटली, ठीक है. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, विच इज लूपिंग इन वेक्टर्स. तो हमने लूप्स देखे थे डिफरेंट टाइप के कोड में भी, एंड वैसे भी हमने समझे थे एरेस के टाइम पे हमने कौन से लूप्स देखे थे. हमने देखे थे फॉर लूप, हमने देखे थे फॉर ईच लूप, और हमने देखा था व्हाइल लूप, राइट. तो यही लूप सब हम यहाँ पे वेक्टर्स में भी देखते हैं एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट उससे. तो इसको देखते हैं, सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं. एंड फॉर फॉर लूप हम एक वेक्टर जो है डिफाइन कर लेते हैं ऑफ टाइप इंट. एंड फॉर लूप में जैसे कि हम एरेज में कर रहे थे वैसे ही हम करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले एक आइटरेटर जो इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे, विच इज आर जो है आई हियर. एंड आई जो है वो जीरो से लेकर हमारा जितने भी एलिमेंट्स हमें वी में अपने वेक्टर में ऐड करने हैं वहां तक हम चला सकते हैं, ठीक है. तो सपोज मेरे को 5 एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आई कैन से वी डॉट, अब मुझे वी पुश बैक सब एलिमेंट करना है और वो एलिमेंट मुझे यूजर से लेना है. तो उसके लिए मुझे दोबारा एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंट एलिमेंट में एक वेरिएबल बना देती हूँ जो कि मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँगी. एंड देन आई कैन से वी डॉट पुश बैक दैट एलिमेंट. अब आप कहोगे कि फॉर लूप में तो हम कुछ और कर रहे थे, फॉर लूप में हम क्या कर रहे थे, फॉर लूप में सॉरी एरेज में जो हमने फॉर लूप देखा था तब हम क्या कर रहे थे, सिन डॉट सिन, एंड हम क्या कर रहे थे एरे ऑफ आई, हम सीधा यूजर से इनपुट ले पा रहे थे. क्या हम यहाँ पे वेक्टर्स में ये चीज नहीं कर सकते, क्या मैं इसको जो है वी ऑफ आई सीधा इनपुट नहीं ले सकती. मैं ले सकती हूँ लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे जो साइज है वेक्टर का वो डिफाइन करना पड़ेगा. अगर मैंने कुछ यहाँ पे वेक्टर को सिर्फ डिफाइन कर दिया, मैंने उसको कुछ साइज नहीं दिया, उसका साइज जो है वो जीरो रहेगा वहाँ पे. तो वो जीरो अगर है तो वी ऑफ आई जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो वी ऑफ आई को यूजर से इनपुट कैसे ले लेगा, राइट. तो या तो मैं इसको यहाँ पे साइज जो है उसका बता दूँ कि वेक्टर का साइज जो है मुझे इतना चाहिए, एंड देन मैं वी ऑफ आई जो है स्ट्रेट अवे यूजर से इनपुट ले पाऊंगी, ठीक है. तो वो भी करके देख लेते हैं. अगर मैंने सपोज यहाँ पर जो है 5 साइज जो है यहाँ पे बता दिया, अब जो है मैं सीधा
मेरे को वी नॉट पुश बैक करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यूजर से ले लूंगी वी ऑफ आई एज इनपुट, ठीक है, तो आई कैन डू दैट एज वेल, ठीक है, तो इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं एंड हम देखिए कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। अब यही जो हमने यूजर से इनपुट लिया है इसको प्रिंट भी करवा के देखते हैं। अब हम वी में हमने एलिमेंट्स डाल दिए हैं तो हम साइज जो है वी डॉट साइज से निकाल सकते हैं अपने वेक्टर का एंड वहां तक हम अपने लूप को जो है इटरेट कर रहे होंगे एंड व्हाट वी विल डू इज वी प्रिंट वी ऑफ आई स्पेस, ठीक है। So let's run this and we'll do loop. Let's run this and let's do loop in vector. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट कर दिए एंड यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो गए, राइट। सो दिस वाज फॉर लूप। अब यहीं पे अगर मुझे फॉर ईच लूप जो है वो चलाना है अपने वेक्टर पे तो वो मैं कैसे चला सकती हूँ, उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है फॉर लूप के अंदर हर एलिमेंट को आइट्रेट करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इंडेक्स को आइट्रेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट को आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एलिमेंट का जो डेटा टाइप है जो कि यहाँ पे इंट है एंड एलिमेंट जो है मैंने एक वेरिएबल बना दिया विच विल बी आइट्रेटिंग थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ आर वेक्टर एंड सेमी कोलन के बाद मेरे जो भी वेक्टर का नेम होता है या एरे का नेम होता है वो हम देते हैं। अब यहाँ पर आई जस्ट हैव टू प्रिंट द एलिमेंट एंड ये जो है मेरे पूरे जो वेक्टर है उसको ट्रैवर्स करके हर एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेट्स रन दिस अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे दो बारी जो है हमारा वेक्टर जो है वो प्रिंट हो गया है, राइट। थर्ड हमने लूप देखा था व्हाइल लूप, राइट। तो व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें एक आइटरेटर बनाना होता है इंडेक्स के लिए, तो हमने बना दिया उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से एंड हमारा व्हाइल लूप जो है वो तब तक चलेगा जब तक हमारा इंडेक्स जो है इट इज लेस देन वी डॉट साइज एंड इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रिंट करना है वी ऑफ आई। वी ऑफ आई से हम अपने हर एक एलिमेंट को जो है एक्सेस कर सकते हैं वेक्टर के एंड हमें आई को प्लस प्लस करना है, तो हम वो हम यही कर सकते हैं क्योंकि पहले जो है वो वी ऑफ आई को प्रिंट करेगा और फिर आई प्लस प्लस करेगा, तो वी कैन जस्ट डू दैट हियर इन वन लाइन, राइट। तो इसको अब दोबारा जो है वो हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे आई नहीं सॉरी आई डी एक्स है हमारा वेरिएबल, ठीक है। लेट्स रन दिस अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बारी जो है ये प्रिंट हो गया है फॉर एवरी लूप। नाउ लेट्स आल्सो ट्राई द इंसर्ट एंड इरेज ऑपरेशंस जो भी अभी हमने देखे हैं। तो इंसर्ट, सपोज मेरे पास ये वेक्टर है 1 2 3 4 5 और मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ एट सेकेंड पोजिशन आई वॉन्ट टू इंसर्ट 6, ठीक है। सो आई विल से वी डॉट इंसर्ट एंड वी डॉट बिगेन से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया वेक्टर का प्लस 2 एंड जो मेरे को एलिमेंट इंसर्ट करना है कॉमा जो भी मेरे को एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले हमारा एक बार जो है वो लूप प्रिंट होगा यूजिंग फॉर लूप, हमारा वेक्टर प्रिंट होगा यूजिंग फॉर लूप, देन हम एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं एट सेकेंड पोजिशन जो कि है 6, फिर हम दोबारा अपने जो वेक्टर है उसको प्रिंट करा के देखेंगे यूजिंग फॉर ईच लूप एंड इसके बाद लेट्स ऑल्सो ट्राई हमारा जो इरेज फंक्शन था वी डॉट इरेज, ठीक है। तो सपोज मुझे लास्ट से जो सेकेंड एलिमेंट है उसको इरेज करना है तो आई विल यूज वी डॉट इरेज एंड वी डॉट एंड -2, तो उससे लास्ट से सेकेंड वाला एलिमेंट जो है मेरा वो डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब हम दोबारा रन करके देखते हैं।
तो व्हाट हैपेंड वाज दिस वाज आवर इनिशियल जो हमारा वेक्टर था 1 2 3 4 5. अब हमने सेकंड पोजीशन पे जो है अपना एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया. दिस इज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स पे हमने 6 जो इंसर्ट कर दिया. एंड देन हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने इरेज कर दिया सेकंड से लास्ट एलिमेंट व्हिच वाज 4. ठीक है, तो यहां पे 4 जो है वो इरेज हो गया. राइट, सो वी सॉ ऑल ऑफ द ऑपरेशंस हियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन वेक्टर्स टू गेट कंफर्टेबल विद देम. तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द लास्ट अक्रेंस ऑफ एन एलिमेंट एक्स इन अ गिवन एरे. ठीक है, यहाँ पे एरे लिखा होगा क्वेश्चंस में, लेकिन हम वेक्टर्स को यूज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. ये अभी हमने वेक्टर्स पढ़े हैं, सो वी ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद देम इन कोड. यहाँ पे आपको एक वेक्टर या एक एरे जो है वो गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द लास्ट अक्रेंस ऑफ दैट एलिमेंट. इसका मतलब क्या कि सपोज दिस इज तुम्हारा एक एलिमेंट, ठीक है, एंड दिस इज योर एरे, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा एक्स जो है वो 1 है. अब तुम्हें एक्स का जो लास्ट अकरेंस है, मतलब कि जो उसकी पोजिशन है लास्ट पोजिशन, वो तुम्हें फाइंड करनी है. तो 1 जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है. बट वॉट इज द लास्ट अकरेंस ऑफ 1? दैट इज दिस, विच इज जो हमारा 6 पोजिशन पे है. राइट, 0 1 2 3 4 5 6. सो 6 इज आर आंसर इन दिस केस. ठीक है, तो अब इसको हम कोड में कैसे कर सकते हैं? कोड में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सबसे हमारे सारी जो अकरेंसेज हैं अपने एक्स की, हमारे एरे में, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी. और उन अकरेंसेस में जो भी हमारा लास्ट अकरेंस होगा, ठीक है, जो लेटेस्ट होगा, क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट करेंगे एरे के बिगिनिंग से, तो शुरू से जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो फाइनली लास्ट में जो हमें अपनी एलिमेंट की पोजीशन मिलेगी एक्स एलिमेंट की, दैट वुड बी आवर आंसर. ठीक है, तो दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट्स डू दैट इन कोड. यहाँ पे अब हम एक वेक्टर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं एंड मैं इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे जो है हम सम यू नो 6 साइज का बना देते हैं. यहाँ पे हम इसमें जो है वैल्यूज भी डाल देते हैं सपोज, ठीक है, या फिर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं. ठीक है, दैट इज बेटर आई थिंक, है ना. तो इंट i से लेकर 6 तक हमें यूजर से इनपुट लेना है एंड वी कैन जस्ट स्ट्रेट अवे डू सेंड v ऑफ i. ठीक है, तो 6 एलिमेंट जो है हमने अपने वेक्टर में यूजर से इनपुट ले लिया. अब इस वेक्टर में सपोज हमने यूजर एक x जो है, एक x एलिमेंट जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं, which again हम यूजर से ले रहे होंगे. And let's print cout enter x. ठीक है, तो हमने वेक्टर जो है वो यूजर से इनपुट ले लिया, हमने एक्स एलिमेंट जो है वो यूजर से इनपुट ले लिया. अब हमने यूजर को वापस क्या देना है, उसका एक्स का लास्ट अकरेंस. राइट, तो हाउ कैन वी डू दैट? इसके लिए अगेन हमें एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि पूरे हमारे वेक्टर को ट्रैवर्स करेगा 0 से लेकर v डॉट साइज तक. और हर एलिमेंट के लिए हम चेक कर रहे होंगे इफ v ऑफ i इक्वल टू x. ठीक है, क्योंकि हमने हर जो पोजीशन है जहां पे हमारा x आकर कर रहा है उसका ध्यान रखना है एंड उसको स्टोर करने के लिए जिन भी पोजीशंस पे हमारा एक्स अकर कर रहा है उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जो कि है अकरेंस. ठीक है, तो जैसे ही हमें अपना कहीं पे भी एक्स एलिमेंट मिलेगा वेक्टर में तो उसकी जो पोजीशन है हम स्टोर कर लेंगे इन दिस वेरिएबल अकरेंस. ठीक है, एंड इसको मैं बाय डिफॉल्ट -1 डाल देती हूँ कि अगर वो जो एक्स है एलिमेंट वो हमारे
वेक्टर में है ही नहीं, तो हम माइनस वन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो माइनस वन से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, एंड जहां जहां पे मुझे एक्स मिल रहा होगा वहां वहां पे मैं अकरेंस वेरिएबल को अपडेट कर दूंगी। एंड जब हम पूरा अपना वेक्टर ट्रैवर्स कर लेंगे तो लास्ट में जो हमारे अकरेंस में वैल्यू होगी वो होगी जो लास्ट अकरेंस होगी, राइट। तो हम इसको यहाँ पर सीधा जो है प्रिंट करवा सकते हैं अकरेंस को, राइट। So let's run this and see if we're getting the right answer. Okay, यहाँ पे हमने गलती करती थी, ब्रैकेट सही लगाए थे साइज के बाद, दोबारा इसको रन करते हैं। Okay, तो यूजर को इनपुट देते हैं 1, 2, 3, 3, 2, 1, ठीक है। और हमारा x जो है वो हम 1 ले लेते हैं, तो मेरा यहाँ पे आंसर जो है वो 5 आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट पोजीशन पे मेरा 1 जो है वो दोबारा प्रेजेंट है, तो वहां पे दैट वैल्यू इट इज रिटर्निंग मी दैट पोजीशन व्हिच इज 5, व्हिच इज द साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ द वेक्टर -1, राइट। तो दिस इज द कोड फॉर गेटिंग द लास्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पर एक और डायरेक्ट तरीका भी है टू फाइंड द लास्ट अकरेंस ऑफ एनी एलिमेंट। क्या है वो डायरेक्ट तरीका? कि हम अपने वेक्टर को लास्ट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें। अभी क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या देखा है, हम हमेशा अपने वेक्टर को शुरू से जीरो इंडेक्स से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लास्ट इंडेक्स से अपने एरे को या वेक्टर को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें और हम अपने एलिमेंट को ढूंढें, तो हमारा एलिमेंट जहां पर भी हमें पहली बार मिलेगा वो उसका लास्ट अकरेंस इंडेक्स ही होगा, राइट। तो उसमें हमें क्या करना होगा, वहां पे क्या चेंज करना होगा, कि हमारा फॉर लूप जो है वो जीरो से वी डॉट साइज तक नहीं चलेगा, हमारा फॉर लूप जो है वो एंड से लेकर जीरो तक चलेगा। एंड मतलब कि वी डॉट साइज -1, ठीक है। वी डॉट साइज विल गिव अस द एंड ऑफ द वेक्टर, and v dot size -1 will give us the index of the last element, ठीक है। तो i जो है वो कहाँ से start होगा, v dot size -1 से ये start होगा। हमारा loop तब तक चलना चाहिए जब तक कि ये more than equal to 0 हो, ठीक है। and हम i plus plus करने की जगह हम i माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं वापस चेंज कर रही हूँ जो कि हमने पहले लिखा था, जहाँ पर आई जो है वो जीरो से लेकर वी डॉट साइज तक चल रहा था आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम अपना जीरो इंडेक्स से अपना ट्रैवर्स कर रहे थे वेक्टर, यहाँ पर हम लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं अपने वेक्टर को ट्रैवर्स करना, हम जा रहे हैं जीरो तक, एंड एट एवरी स्टेप वी आर डूइंग आई माइनस माइनस, ठीक है। तभी तो वो एंड से लेकर जीरो तक आएगा, राइट। एंड जैसे ही हमारा हमें वी ऑफ आई इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, तो दैट वुड बी आर फर्स्ट अकरेंस। तो हमें जो है पूरा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम अकरेंस इक्वल टू आई कर हम ब्रेक कर जाएंगे इस लूप से, हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हमें जो है अब पूरे लूप में चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमें पहली बार मिल गया अपना एलिमेंट, तो वो जो है हम वहीं पर उसको, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू से लास्ट अकरेंस ढूंढ रहे थे, जब हम शुरू से ट्रैवर्स कर रहे थे अपने वेक्टर को, स्टार्ट से ट्रैवर्स कर रहे थे तो हम लास्ट अकरेंस ढूंढ रहे थे। अब जब हम एंड से ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने वेक्टर को, तो हम फर्स्ट अकरेंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम शुरू से ट्रैवर्स कर रहे हैं तो जो हमारा लास्ट अकरेंस होगा वो, अगर हम लास्ट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते तो हमारा फर्स्ट अकरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता भी देती हूँ कि सपोज हमारा जो है वेक्टर है 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, ठीक है। अब जब मैंने शुरू से इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, मैं 1 पे गई, ठीक है,
उसके बाद मैंने इसका जो है इंडेक्स स्टोर कर लिया. अगर मेरा एक्स वन है, मेरा यहाँ पे एक्स वन है, ठीक है, तो मैंने इसका इंडेक्स स्टोर कर लिया. उसके बाद जब मुझे इस पोजीशन पे वन मिलेगा तो मैंने उसका इंडेक्स स्टोर कर लिया. अब लास्ट इंडेक्स पे जब मुझे वन मिलेगा तो मैंने उसका इंडेक्स स्टोर कर लिया और फिर मैंने उसको अपना आंसर रिटर्न कर दिया. अब जब मैं इसको लास्ट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रही हूँ अपने वेक्टर को, तो मैं लास्ट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगी तो मेरे को लास्ट इंडेक्स पे वाला ही वन सबसे पहले मिलेगा एंड वही मेरा लास्ट अकरेंस है एक्चुअली. तो मेरा यही आंसर है. मैं इसको जो है स्टोर करके और फिर अपने लूप से ब्रेक कर सकती हूँ, जो शुरू तक ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये वाला लूप भी हम एक बार ही चला कर देख लेते हैं. इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है एंड दिस शुड गिव अस द सेम रिजल्ट. तो अगर मैं 6 एलिमेंट्स डाल रही हूँ, 1 2 3 1 3 1, यहाँ पर जब मैंने x 1 डाला तो मेरे को मिल गया अपना इंडेक्स 5, जो कि है ये इंडेक्स लास्ट वन का, राइट. तो दिस इज ऑल्सो अ वे जहाँ पर आप अपने वेक्टर को शुरू से ट्रैवर्स करने की जगह आप एंड से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं बाय हैविंग द लूप स्टार्ट फ्रॉम v.size-1 एंड एंड एट 0 इंडेक्स. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट x. ठीक है, तो दिस इज क्वाइट सिमिलर जो अभी हमने किया था क्वेश्चन उसी से, तो आप लोगों से हो जाना चाहिए. एक बारी कोशिश कीजिए कि खुद इसको कोड कर पाओ. नहीं हो पा रहा है तो लेट्स डू दिस टुगेदर. यहाँ पे अगेन हम सबसे पहले जो है एक वेक्टर जो है वो बना लेते हैं एंड इस वेक्टर में मैं इसको इसका साइज भी यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ 6 एंड लेट्स रन अ लूप ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाए. यहाँ पर भी मैं 6 की जगह जो है वी डॉट साइज जो है वो मेंशन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने साइज जो है वो डिफाइन कर दिया पहले ही, राइट. एंड आई विल टेक यूजर से इनपुट वी ऑफ आई, राइट. आफ्टर दिस आई हैव टू फाइंड द काउंट द अकरेंस. ठीक है, तो किस एलिमेंट का अकरेंस चाहिए मैं वो भी यूजर से इनपुट ले लेती हूँ. से इंट x एंड हमने यूजर से x जो है वो इनपुट ले लिया. अब हमें नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है वो फाइंड करना है, तो अकरेंसेस एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 0 से, राइट. एंड हमें क्या करना होगा, हमें एक लूप लगाना होगा. अब हम यहाँ पे फॉर ईच लूप ट्राई करते हैं. तो फॉर ईच लूप में मैं सबसे पहले एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को एड्रेट करने के लिए एक वेरिएबल बना लिया है एलिमेंट एंड कोलन जो भी मेरा वेक्टर का नाम है. अब इस लूप के अंदर जो एलिमेंट वेरिएबल है उससे मुझे स्ट्रेट अवे जो है आई हैव टू कंपेयर माय एक्स विद इट. ठीक है, तो इफ एलिमेंट इज इक्वल टू एक्स तो मेरा जो भी मैं एलिमेंट ढूंढ रही हूँ उसका एक अकरेंस मुझे मिल गया है, राइट. तो अकरेंसेस में मैं प्लस प्लस कर दूंगी या 1+ कर दो, सेम बात है. एंड एट द एंड ऑफ द फॉर लूप आई हैव द सम ऑफ द अकरेंसेस ऑफ द या द काउंट ऑफ द अकरेंसेस ऑफ माय एलिमेंट एक्स, राइट. सो लेट्स रन दिस एंड यहां पर हमने ओके सेमी कोलन रह गया था. ठीक है, दोबारा रन करते हैं. तो हम वेक्टर को इनपुट दे देते हैं 1 1 1 1, ठीक है, एंड हमें 1 काउंट करना है. तो यहाँ पे हम अकरेंसेस को प्रिंट करना भूल गए थे. ठीक है, तो इसको दोबारा रन करते हैं एंड काउंट अकरेंस. तो मैं 1 ही डाल रही हूँ मोस्टली, 5 times 1 एंड x हमारा 1 है, तो हमारा 5 जो है वो प्रिंट हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम किसी भी एक एलिमेंट का अकरेंस अगर हमें काउंट करना है अपने वेक्टर में तो वो हम कैसे कर सकते हैं. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x. इसका मतलब क्या कि हमें जो है एक वेक्टर दे रखा होगा
और हमें उसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे होंगे जैसे कि 2, 3, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x। सपोज यहाँ पे हमारा x जो है वो 3 है, तो 3 से जो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, मतलब कि 3 काउंट नहीं होगा, जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है एलिमेंट्स, उनको जो है हमें काउंट करके प्रिंट करना है, ठीक है। तो हाउ कैन वी डू दैट, तो अब वापस जो है यहाँ पर आते हैं, कोड करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे अब आपको पता चल गया है कि हमें यूजर से इनपुट कैसे लेना है, तो वो कोड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, जहाँ पे हम यूजर से एक वेक्टर जो है इनपुट ले रहे हैं और फिर एक एक्स जो है इनपुट ले रहे हैं। इस एक्स से ज्यादा जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे एरे में या वेक्टर में, उसका हमें काउंट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो काउंट है उसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एंड इस काउंट को फाइंड करने के लिए हम एक लूप लगाएंगे जो कि चलेगा 0 से लेके v डॉट साइज तक i प्लस प्लस। एंड इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा v ऑफ i इज मोर देन हमारा x है, मतलब कि एनी एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x, देन वी increase count by 1 and at the end of this loop we'll have our answer. Okay, to isko run karte hain, count greater and yahan pe humne 1 to 6 elements aa diye and 2 se greater kitne hamare elements hain, yahan pe 4 elements hain, so hume 4 jo hai wo answer mil gaya, right? But then next question, which is check if the given array is sorted or not. Now this question is interesting. Why? सबसे पहले हम यहाँ पे question में समझते हैं कि sorted array का मतलब क्या होता है। अगर मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, that means this is a sorted array क्योंकि ये ascending order में मेरे यहाँ पे elements present हैं, ठीक है। वो descending order में भी हो सकते हैं, लेकिन sorted जो है हम मोस्टली एरेज को तभी कंसीडर करते हैं जब वो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे एलिमेंट्स जो है वो सॉर्टेड होते हैं। इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो है अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा होता है, राइट? हर एक एलिमेंट अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा होता है, एंड सिमिलरली हर एक एलिमेंट अपने पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट आई है तो दिस विल ऑलवेज बी मोर देन ए ऑफ आई माइनस 1। अगर मैं ये चेक कर पाऊं अपने हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए मैं चेक कर पाऊं कि वो अपने पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड है, राइट? तो यहाँ पर हमें यही चीज चेक करनी है, एंड यहाँ पे देखने वाली ये चीज है कि हमारा जो लूप हम चलाएंगे टू ट्रैवर्स थ्रू आर वेक्टर या फिर अरे, वो कहां से कहां तक चलेगा, ठीक है। तो वो चेक करते हैं, यहाँ पे लेट्स यूज एन अरे, ठीक है। तो मैं एक अरे जो है वो डिफाइन कर रही हूँ, इंट अरे, एंड इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो दिस इज अ सॉर्टेड अरे। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड थ्रू कोड कि ये सॉर्टेड है या नहीं। तो उसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि चलेगा 0 से नहीं 1 से, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को अपने पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर करें कि क्या वो उससे ज्यादा है। तो हम ये फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं लूप, आई लेस देन हमारा 6 साइज का जो एरे है, एंड इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करेंगे सबसे पहले कि इफ एरे ऑफ आई इज मोर देन एरे ऑफ आई माइनस 1। नाउ दिस कंडीशन शुड ऑलवेज बी ट्रू, मतलब कि फॉर द इंटायर लूप एवरी आई इट शुड बी मोर देन एरे ऑफ i minus 1, array of i should always be more than array of i minus 1, तब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा array जो है sorted है। अब इस condition को हम ऐसे भी check कर सकते हैं कि कहीं पे भी अगर array of i
इज नॉट ग्रेटर देन एरे ऑफ आई माइनस वन, मतलब कि दिस इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन. अगर किसी भी पोजिशन पे मेरा आईथ एलिमेंट इज नॉट मोर देन, मतलब कि इट इज लेस देन या इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन, तो मैं बोल सकती हूँ मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है, राइट. और ये करने के लिए मैं एक बुलियन फ्लैग बना सकती हूँ, बुलियन सॉर्टेड, एंड इसको मैंने फॉल्स जो है इनिशियलाइज कर दिया, या फिर मैंने इसको ट्रू इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हम उसको फॉल्स कर रहे होंगे इनकेस हमारा ये कंडीशन मीट हो जाती है तो. ठीक है, फॉल्स. तो अब क्या हो रहा है कि मैंने एक सॉर्टेड फ्लैग बना दिया, ठीक है, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया ट्रू से, एंड मैं बोल रही हूँ कि मैं मान रही हूँ पहले कि मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड है. अब मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं पे भी अगर एरे ऑफ आई इज लेस देन या इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन, तो वहां पे मैं अपने फ्लैग को फॉल्स कर दूंगी, एंड लास्ट में मैं अपने फ्लैग को जो है वो प्रिंट कर दूंगी, जो मुझे बता देगा कि एरे जो है वो सॉर्टेड है या नहीं. ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं. तो यहाँ पे वन जो है वो प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब कि मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड है, वन मतलब कि ट्रू होता है. अगर मैं यहीं पे अपने एरे को चेंज कर दूं, मैंने यहाँ पे सेवन डाल दिया, ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है, जीरो प्रिंट हो रहा है, मतलब कि मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है, राइट. तो दैट्स हाउ वी चेक इफ आवर एरे इज सॉर्टेड और नॉट. बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एलिमेंट्स एट इवन इंडेसेस टू द सम ऑफ एलिमेंट्स एट ऑड इंडेसेस. इसका मतलब क्या है कि आपको एक एरे या वेक्टर दे रखा है, ठीक है, एंड हमें पता है वहाँ पे इंडेक्सेस जो है हमारे जीरो इंडेक्स होता है, तो दीज आर द इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट्स. अब जो हमारा इवन इंडेसेस पे प्रेजेंट है एलिमेंट्स, उनका सम, जिसको मैं बोल देती हूँ इवन सम, माइनस जो भी मेरा ऑड एलिमेंट्स पे प्रेजेंट है, ऑड इंडेसेस पे प्रेजेंट है एलिमेंट्स, उनका सम, ये मुझे आउटपुट देना है, ठीक है. तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सबसे पहले एक लूप चला सकती हूँ, जो कि इवन एलिमेंट्स, इवन जो इंडेसेस पे एलिमेंट्स है उनका सम कैलकुलेट करेगा, इवन सम. Then, उसी लूप में मैं ऑड सम भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो ऑड इंडेसेस पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सम, और फिर मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, राइट. या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि क्योंकि हम हर एक जो इवन इंडेसेस पे प्रेजेंट है उनको ऐड कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ अपने फाइनल सम में, और जो ऑड इंडेसेस पे प्रेजेंट है उनको हम माइनस कर रहे हैं. तो मैं एक ही वेरिएबल बना सकती हूँ सम, जिसमें जो भी इवन इंडेसेस वाले एलिमेंट्स होंगे उनको मैं ऐड कर दूंगी, और जो माइनस और जो ऑड इंडेसेस पे एलिमेंट्स होंगे उनको मैं माइनस कर दूंगी. तो लास्ट में मेरा जो सम आएगा वही मेरे को चाहिए होगा, वही मेरा रिजल्ट होगा, राइट. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ. अगेन मैंने यहाँ पे एक एरे जो है वो डिफाइन कर लिया, एंड इसमें मैं कुछ वैल्यूज जो है वो डाल देती हूँ, 1, 2, 3, 1 या कुछ ऐसा डालते हैं, जो कि हमें आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए इजी हो, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा इवन इंडेसेस पे 1, 1, 1 प्रेजेंट है, ऑड इंडेसेस पे 2, 2, 2 प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3 - 6 जो है मेरा आंसर, -3 आंसर आना चाहिए, राइट. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक लूप लगा देंगे 0 से लेकर 6 तक. यहाँ पे मैं सीधा साइज जो है वो डाल रही हूँ, लेकिन आपको पता है हमने एरे में देखा था हम साइज ऑफ वाला ऑपरेटर यूज करके एरे का साइज निकाल सकते हैं, अगर इट इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट विद यू. एंड इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो आई है, हमारा जो इंडेक्स है वो चेक करेंगे, इंडेक्स. अगर आई जो है वो हमारा इवन है
तो हमारा जो भी आंसर है उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं int answer sum, इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, तो हम अपने आंसर सम में ऐड कर देंगे हमारा एरे ऑफ i, अगर वो इवन है तो, एंड एल्स अगर वो ऑड है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आंसर सम में से हम उसको एरे ऑफ i को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो लास्ट में लूप के एंड में हमारे पास हमारा आंसर होगा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एट सम ऑफ एलिमेंट्स एट इवन इंडेसेस एंड सम ऑफ एलिमेंट्स एट ऑड इंडेसेस. ठीक है, सो लेट्स रन दिस. एंड हमारा आंसर जो है यहाँ पर प्रिंट हो चुका है -3, राइट, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था. यू कैन ट्राई दिस फॉर अदर इनपुट्स एज वेल, है ना. एंड जो दूसरी हमने अप्रोच ली थी कि पहले हम इवन इंडेसेस वाला सम निकाले, फिर ऑड इंडेसेस वाला सम निकाले और उनको सब्ट्रैक्ट करें, आप वैसे भी कर सकते हो. एंड यहाँ पर बस हमने वो दो अलग अलग वेरिएबल्स में नाम बनाकर हमने एक ही वेरिएबल में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं. वेक्टर्स आर डायनेमिक एरेज जहां पर द साइज ऑफ द वेक्टर कीप्स चेंजिंग एज वी इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स. ठीक है, एंड यहां पे वेक्टर्स में कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन ही हो रही होती है, जैसे कि हमने एरेज में पढ़ा था, जहां पे द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी. हमने ये भी देख लिया कि अगर मुझे कोड में वेक्टर को कहीं डिफाइन करना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ. सबसे पहले मेरे को हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी वेक्टर्स की, और उसके बाद मैं सीधा लिख सकती हूँ वेक्टर, जो भी मेरा डेटा टाइप है मेरे वेक्टर का, मेरे वेक्टर के एलिमेंट्स का, एंड देन द वेक्टर नेम. तो मुझे यहाँ पर अपने वेक्टर को साइज देने की ज़रूरत नहीं है. जब मैं अपने वेक्टर को डिफाइन कर रही हूँ, वहाँ पे साइज़ जो है मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. अब इस वेक्टर में हमने कैसे हम ऑपरेशंस कर सकते हैं कुछ, वो हमने देखे. अगर मुझे वेक्टर का एट एनी पॉइंट साइज़ चाहिए तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ साइज ऑपरेशन. अगर मुझे साइज चेंज करना है अपने वेक्टर का तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ रीसाइज ऑपरेशन. अगर मुझे कैपेसिटी चाहिए अपने वेक्टर की, अगर मुझे कैपेसिटी चाहिए तो मैं यूज़ कर सकती हूँ कैपेसिटी ऑपरेशन. कैपेसिटी हमें बताता है कि हमारा वेक्टर जो है मेमोरी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना स्पेस उसे एलोकेटेड है, बट दैट इज़ नॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम इंसर्ट कर सकते हैं. वो हमने देख लिया है कि जैसे जैसे हम और एलिमेंट्स ऐड करते रहेंगे हमारा साइज बढ़ता रहेगा वेक्टर का, वैसे वैसे कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी मेमोरी में. एंड अगर मुझे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है अपने वेक्टर में तो उसके लिए यूज़ करूँगी पुश बैक ऑपरेशन, जो कि एंड ऑफ द वेक्टर में एक एलिमेंट को ऐड कर देगा. अगर मुझे एंड एलिमेंट को हटाना है तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी पॉप बैक ऑपरेशन, that will remove the last element from my vector. अगर मुझे अपने vector में कहीं बीच में कोई element insert करना है तो उसके लिए मैं use करूँगी अपना insert operation, जहाँ पर मुझे position देनी ही होगी. position क्या कौन सी देनी है, वो memory address देना है मुझे basically, जहाँ पर मुझे element को add करना है और जो element add करना है उसकी value. सिमिलरली अगर मुझे बीच में से कोई एलिमेंट हटाना है एट सम पर्टिकुलर पोजिशन तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इरेज ऑपरेशन, जहाँ पे अगेन मेरे को अपनी पोजिशन देनी होगी कि किस पोजिशन से मुझे एलिमेंट हटाना है अपने वेक्टर में. एंड अगर मुझे अपने वेक्टर को पूरा खाली करना है तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ क्लियर ऑपरेशन. ठीक है, तो ये डिफरेंट हमने ऑपरेशंस देखे एंड हमने देखा कि हम वेक्टर्स को लूप कैसे कर सकते हैं, फॉर लूप लगा के, वाइल लूप लगा के, फॉर ईच लूप लगा के, दैट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड विद एरेज. एंड वी ऑल्सो डिड सम क्वेश्चंस इन वेक्टर्स, जिससे आपको अभी एविडेंट हो गया होगा कि हम वेक्टर्स पे क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हैं. वेक्टर्स जो है वो कुछ क्वेश्चंस में हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ईजियर कर देता है एज़ कम्पेयर टू एरेज, इसलिए हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस करेंगे एरेज एंड वेक्टर्स पे, ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए. एंड तब तक आप खुद से जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए. अगर आज के क्वेश्चंस जो है आपने
लेक्चर के साथ साथ कोड किए हैं, तो अब लेक्चर के बाद उनको सेम क्वेश्चंस को दोबारा कोड करने की कोशिश कीजिए अपने आप, ठीक है, ताकि आपको खुद प्रैक्टिस हो कोड लिखने की. एंड जो भी आपको प्रैक्टिस में मिल रहे हैं क्वेश्चंस, वो तो हमने करने ही हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और रिसोर्सेज के लिए यू मस्ट विजिट pwskills.com, जहाँ पर आप नोट्स, असाइनमेंट्स एंड आगे के लेक्चर्स का शेड्यूल, ये सब एक्सेस कर पा रहे होंगे फॉर एब्सोल्युटली फ्री. एंड अगर आपको लेक्चर्स में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म गिवन है जहाँ पे आप अपने टेक्निकल डाउट्स, लेक्चर से रिलेटेड जो भी हैं, वो फिल कर सकते हैं. एंड हमारी टीम जो है वो रेलिवेंट डाउट्स को उठाएगी एंड लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस में हम उन डाउट्स को कवर करेंगे. तब तक टेक केयर एंड गुड बाय.